हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी और ठीक हूँ। तो आज है रमज़ान का चौथा रोज़ा और 3 रोज़ों से तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो दे रही हूँ एवरी डे 3 दिन से। तो लेकिन आज इंशाल्लाह आज का भी ब्लॉग आपको मिलेगा चौथे रोज़े का, कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की और क्या बनाई मैंने इफ्तार के लिए। हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते इफ्तार में, क्योंकि बाहर से भी लेकर आ जाते हैं तो घर में ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि कम लोग हैं और बहुत ज़्यादा फिर इतना अनाज को फेंकना या खाने की चीज़ें को फेंकना भी सही बात नहीं है। इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते, लिमिटेड ही बनाते हैं। तो जो कुछ भी मैं अब बनाती हूँ आपके साथ ज़रूर से शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करूँगी एक महीने तक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको रमज़ान में 6 व्लॉग मिलेंगे और अभी मुझे पढ़नी है, मैंने सोचा कि यासीन शरीफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे 12 तो 12:15 से मैं बैठूंगी, क्योंकि अभी ज़वाल का टाइम होता है तो 12:15 से मैं बैठूंगी। फिर तब तक जोहर का टाइम भी हो जाएगा तो फिर नमाज़ भी साथ ही साथ अदा कर लूँगी। फिर उसके बाद 3, 3:30, 4 बजे के टाइम उतरूँगी किचन में, तो फिर नीचे, तो फिर वो भी ब्लॉग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो भी मेरे वीडियोज़ को पहले देख रहे हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे और मेरे वीडियोज़ को शेयर करें ज़रूर से, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस यही कहना था, चलिए आपको आगे का बताती हूँ क्या क्या किया मैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, मैंने बनाए मूंग के भजिए इस तरह से, जैसे मैंने परसों बनाए थे वैसे मैंने बनाए मूंग के भजिए। और फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो भी मेरा आगे का वीडियो था वो शूट ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि वीडियो शूट हो रहा है लेकिन वीडियो शूट नहीं हुआ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मेरी लड़की की भी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा अज़वा की, और मुझे अर्जेंट उसे हॉस्पिटल में लेकर भागना पड़ा था। उनको डायरिया की शिकायत हो गई, तो उसकी वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और फिर मैंने रात में वीडियो अपलोड करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि बच्ची इतनी बीमार थी तो मैंने सोचा नहीं कि मैं वीडियो अपलोड करूँ। फिर अभी मैं देखने बैठी तो मैंने देखा कि मेरा तो वीडियो शूट ही नहीं हुआ पूरा। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही मेरा वीडियो शूट हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलिए यही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने बनाए थे मूंग के भजिए और इस तरह से मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया, बस ये वीडियो मेरा शूट हुआ। और मेरे रूह अफ़ज़ा बनने के बाद मैंने चने बनाए, मैंने साबूदाने के वड़े बनाए, तो वो मेरा कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि वीडियो शूट हो रहा है लेकिन वीडियो शूट नहीं हुआ। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरा चैनल देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरे से मतलब बच्ची की उलझन में ऐसा हो गया, मुझे लगा शूट हो रहा है वीडियो, उधर बच्ची की तरफ मेरा थोड़ा रुझान उधर ही था और वीडियो भी इधर से मैं काम भी कर रही थी, तो उसमें मुझे वीडियो मेरा शूट हो नहीं पाया, तो सॉरी उसके लिए। और बस इस तरह से मैंने रूह अफ़ज़ा बनाया और बस मेरा काम यहीं पर पूरा हुआ ना। उसमें फ्रूट काटने, जो मेरा फ्रूट कटिंग का वीडियो था वो भी नहीं आया, और ना ही मेरा कोई फ्राइंग का वीडियो आया ज़्यादा, और ना ही मेरा जो मैं सहरी का खाना बना, मतलब सहरी का जो तैयार कर कर रख रही थी मटन, वो भी नहीं आया। मतलब कोई भी रूटीन मेरा इसमें नहीं आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि वीडियो शूट हुआ ही नहीं और मुझे लगा था कि वीडियो शूट शुरू है और वीडियो थोड़ा ही शूट हुआ, शायद मेमोरी फुल हो गई होंगी और मेरा मुझे लगा कि वीडियो शूट हो रहा है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। इस तरह से मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया बस। तो बस फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझसे ऐसे कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं था।